स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल क्रिकोल एंड प्रिडिक्शन में। गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं वुमेन बिग बैश लीग का मैच नंबर 46 जो कि यहां से खेला जाएगा HBW vs MHW। आप लोगों को बताता चलूँ मतलब डबल हीडर मुकाबला खेला जाएगा और ये डबल हीडर मुकाबले का पहला मुकाबला मैं कवर कर रहा हूँ। आप लोग चिंता मत करो, दूसरे मुकाबले की वीडियो जो कि यहाँ पर खेला जाएगा सिडनी थंडर वुमेन और मेलबर्न रेनिगेड वुमेन, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिक कर दी है, तो अगर आप लोग चाहो तो इस वीडियो को देख सकते हो। और बहुत सारे लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मतलब दूसरे मुकाबले की वीडियो मैंने पहले क्यों अपलोड किया है और पहले मैच के मुकाबले की वीडियो मैं अभी क्यों अपलोड कर रहा हूं, तो इसका भी मैं आप लोगों को जवाब वीडियो में दे दूंगा। तो फुल वीडियो का आप लोग वॉच करना, वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी लगने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं तो प्लीज़ आ जाना, जिसका कि लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दी है। बाकी लिंक अगर वर्क नहीं करता है तो Cricket2580 आप लोग इतना लिख कर सर्च करके भी यहाँ पे आ सकते हो। बताता चलो ये मेरा सेकंड चैनल है तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर सब्सक्राइबर्स कम देखने को मिल रहे होंगे, हो सकता है आपके आते आते ये घट बढ़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग मेरे स्किल्स का अंदाज़ा प्लीज़ सब्सक्राइबर देख कर मत लगाना। जितने भी लोग यहाँ पर ज्वाइन है ना बहुत इंजॉय करते हैं, अगर आप भी आओगे तो पूरी प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मेरे तरफ से आप लोगों को निराश करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं रहेगी, और आप आओगे तो फिर वापस जाने का मन नहीं करेगा। तो प्लीज आ जाना, पिंड मैसेज चेक कर लेना, 4 नवंबर और 6 जून का मैसेज होगा और फ्री आप लोगों को यहां पे बैनर देखने को मिल रहा होगा, मतलब आप लोगों को बिल्कुल फ्री टीम में प्रोवाइड कराता हूं। तो होप आप लोग यहां पे ज्वाइन हो जाओगे। जितने लोग हैं बहुत अच्छी विनिंग होती है आप लोगों को, सब कुछ हार होता है या जीत होती है सब आप लोगों को यहां पे मैं बता देता हूं। तो 90% और बताता चलो वुमेन्स बिग बैश लीग में अपनी यहां पे विनिंग रेशियो चल रही है, तो अगर आप लोग भी मजा लेना चाहते हो तो आ जाना। चलो दोस्तों फाइनली हम लोग वीडियो को यहां से स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, पहले यहां से बेसिक समझ लो। 15 नवंबर को 9:30 पे आप लोगों को अपने भारत टाइम अनुसार ये मुकाबला देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ये मेरे लिए बहुत स्पेशल वीडियो है बिकॉज ये मेरी वीडियो नंबर 250 है। आप लोगों की प्यार सपोर्ट की वजह से अभी तक मैं यहां पर हूं। और मैं आपको बताता चलूं, जैसे कि मेरा एक पहले भी चैनल था जहां पर 1 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर हुआ करते थे, वो पिछले ही साल दिसंबर में जब मेन्स बिग बैश लीग चल रहा था तो कुछ स्ट्राइक इशू की वजह से डिलीट कर दिया गया था। और टेलीग्राम भी चैनल जहां पर 1 लाख के समथिंग सब्सक्राइबर थे वो भी स्ट्राइक इशू की वजह से डिलीट कर दिया गया था। फिर मैंने आईपीएल भी कवर नहीं किया था, फिर बहुत दिन के बाद मैं ऐसे निराश बैठने के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं। और होप आप लोग इतना सपोर्ट किए, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और पिछले 5 महीने में आपको बताता चलूं, आज मैं आपको डेट दिखा देता हूं, देखो 14 नवंबर है और मैं मतलब 16 जून से मैं वीडियो बना रहा हूं और अभी तक आई थिंक 3 के मेरे सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो होप आप लोग इसी तरह सपोर्ट करोगे और इससे भी अच्छा सपोर्ट करोगे तो जल्दी से जल्दी हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी वीडियो नंबर 250 है तो होप आप लोग इस पे 250 लाइक प्लीज कंप्लीट करवा देना, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार सपोर्ट की वजह से ये चैनल है, तो प्लीज आप लोग इतना करवा देना। अब देखो इस वीडियो को लेट से बनाने का रीजन क्या है, सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं वेन्यू चेंज हो गया है। ये वेन्यू रहने वाला है लैटरोब रिक्रिएशन ग्राउंड, लैटरोब का ये ग्राउंड रहने वाला है, ठीक है। अब ये रिकॉर्ड ना दोस्तों मैं मतलब सुबह से यार निकाल रहा हूं, इस ग्राउंड का मुझको कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो इसी वजह से वीडियो बनाने में लेट हो गई। मैं बहुत सारी वेबसाइट यहां पे सर्च किया कि कुछ भी मुझको रिकॉर्ड मिल जाए इस ग्राउंड से रिलेटेड, लेकिन कुछ भी मुझको रिकॉर्ड नहीं मिला। तो ऐसे में मैं आप लोगों को फिर भी रिकॉर्ड बताऊंगा। अब देखो पिच रिपोर्ट तो मुमकिन है नहीं बताना बिकॉज यहां पर कोई ग्राउंड का रिकॉर्ड ही नहीं मिला है, तो मैं आपको पिच रिपोर्ट बताऊंगा भी तो क्या बताऊंगा। लेकिन जैसे कि यह वीडियो नंबर 46 है और मैं स्टार्टिंग के 45 वीडियो से कह रहा हूं कि वुमेन्स बिग बैश लीग के जितने भी मुकाबले होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मुकाबले मतलब बॉलर्स फ्रेंडली होते हैं, तो बॉलिंग के फेवर में आप लोग इस ग्राउंड को भी कहीं ना कहीं मान के चल सकते हो। लेकिन इस ग्राउंड पे का तो रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे अच्छे रिकॉर्ड बता दूंगा। अब जब ये दोनों टीम लास्ट 5 मुकाबले में आपस में भिड़ी है तो क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा, एक मुकाबला हॉबर्ट हरिकेन्स ने 6 विकेट से जीता था, फिर एक और मुकाबला हॉबर्ट हरिकेन्स ने 63 रन से जीता था, उसके बाद देखिएगा मेलबर्न स्टार वुमेन्स ने एक मुकाबला 39 रन से जीता था, फिर एक और मुकाबला मेलबर्न स्टार ने ही जीता था बहुत क्लोजली 8 रन से जीत पाई थी, और एक और मुकाबला देखिएगा तो हॉबर्ट हरिकेन्स ने जीता था। तो पिछले 5 मुकाबले में से 3 मुकाबले जो कि हॉबर्ट हरिकेन्स वुमेन्स ने जीता है और मतलब यहाँ पे 2 मुकाबले जो कि मेलबर्न स्टार वुमेन्स ने वोन किया है। तो इस मैं आपको ये रिकॉर्ड बता देता हूं, बाकी प्लेयर्स क्या कुछ करते हैं ये अब हम लोग प्लेइंग 11 में समझेंगे विद रिसेंट स्कोर कार्ड के साथ। तो देखिए इनके तरफ से प्लेइंग 11 बताऊं, उससे पहले आप लोगों को पॉइंट्स टेबल में दिखा देता हूं। दोस्तों देखिएगा यहां पे सबसे पहले हॉबर्ट हरिकेन्स की वुमेन्स की टीम ने 10 मुकाबले खेलकर 6 मुकाबले जीती है, वहीं 3 मुकाबले हारी है। ऑलमोस्ट इनकी टीम क्वालिफाई कर गई है, लेकिन यहां पे मेलबर्न स्टार वुमेन्स की टीम बाहर हो चुकी है जिन्होंने 10 मुकाबले खेल के मात्र 3 ही मुकाबले जीती और 5 मुकाबले हारी है। तो एक टीम के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और एक टीम के पास मतलब
गंवाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों टीमों के लिए वैसे देखा जाए तो डू अडार का मतलब मेलबर्न स्टार के लिए तो वैसे ज्यादा ये मैटर नहीं करने वाला है, लेकिन होबर्ट हरिकेन्स के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला रहने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले तो बात करते हैं मेलबर्न स्टार वुमेन्स की तरफ से, तो इनके तरफ से देखिएगा लॉरेन विलफील्ड हिल के साथ आप लोगों को बेस हेल्थ ओपनिंग करती हुई दिख जाएंगी। पिछले मुकाबले में बेस हेल्थ ने ही ओपनिंग किया था। और विलफील्ड हिल की बात करते हैं तो 12 का स्कोर इन्होंने किया था, वहीं बेस हेल्थ की बात करते हैं तो 31 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। और मुझको समझ नहीं आ रहा है कि 5 मुकाबले से बेस हेल्थ बेंच पे क्यों गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग की भी जब ये मुकाबले खेली थी तो काफी अच्छा कंसिस्टेंसी के साथ स्कोर की थी। बाकी एलिस कैप्सी की बात करते हैं, 11 रनों का स्कोर की थी, बॉलिंग भी कराती है, विकेट नहीं मिल पाया था पिछले मुकाबले में। बाकी अनबल सदरलैंड अलीसा गार्डनर के बाद इस सीजन सबसे प्रभावित करने वाली खिलाड़ी यही उभरती हुई दिखी है। पिछले मुकाबले में 62 रन प्लस बॉलिंग से भी 3 विकेट इनको मिला था। और ड्रीम इलेवन में अलीसा गार्डनर के पास सबसे ज्यादा पॉइंट इन्होंने ही दिया है। टेस्ट फिलेंटॉप्स की बात करते हैं, बॉलिंग से इनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। और किम गार्थ की बात करते हैं, लाजवाब परफॉर्मेंस था, 16 रनों को स्कोर भी की थी, बॉलिंग से भी 1 विकेट मिला था। वहीं निकोल फाल्टून पिछले 2 मुकाबले से फालतू ही परफॉर्मेंस कर रही है, मात्र 8-8 रनों का स्कोर कर पाई है। और टीम की कैप्टन ने कहीं बहुत नीचे बैटिंग करती है, तो भाई इतना ज़्यादा नीचे इनको बैटिंग करना नहीं चाहिए। अब देखा जाएगा कैप्टन ने अब टीम के फेवर में सोचना चाहिए। सासा मोलनी की बात करते हैं, सबसे लाजवाब परफॉर्मेंस ये कर रही है बॉलिंग से, 4 विकेट पिछले मुकाबले में अगेन इन्होंने निकाला था। बाकी उसके बाद बात करते हैं सोफी रेड की, एज अ बैट्समैन खेलती है नंबर 8 पे, और ज़्यादा कुछ करने का मौका, बैटिंग ही नहीं आई थी तो मौका क्या मिलेगा। रिचिल मकीना की बात करते हैं तो पिछले मुकाबले में बॉलिंग से इनको विकेट नहीं मिला था, कभी बॉलिंग करती है कभी बैटिंग करती है। बाकी सोफी डे की बात करते हैं तो विकेट इनको भी नहीं मिला था। देखो इनके तरफ से ओपन डेथ बॉलर ज़्यादा फिक्स नहीं रहता, किम गर्थ के साथ टेस्ट फिलिंटॉप्स को मान सकते हो, देश में अनेबल सदरलैंड टेस्ट फिलिंटॉप्स को मान के चल सकते हो। बाकी आप लोगों को देखो यहां से सासा मोलनी भी आप लोगों को बॉलिंग करती हुई दिख सकती है ओपनिंग डेथ दोनों जगह पे। खिलाड़ी इनके तरफ से जो कि बेंच पे गए आप लोग रिसेंट का स्कोर देख सकते हो, इनके तरफ से बॉलर्स जो कि आप लोगों को अच्छी खासी ओवर करते हुए दिख सकते हैं। तो देखो यहां से किम गर्थ, सासा मोलनी, अनेबल सदरलैंड, बाकी टेस्ट फिलिंटॉप्स के भी ठीक ठाक ओवर, मतलब देखो टेस्ट फिलिंटॉप्स के ना पिछले 4 मुकाबले से ओवर कट रहे हैं। तो अगर टेस्ट फिलिंटॉप्स को यहां से मैं हटा दूं तो 3 बॉलर अनबल सदरलैंड, सासा मोलनी, किम गर्थ के ठीक ठाक ओवर मान सकते हो। बाकी टेस्ट फिलिंटॉप्स, सोफी डे, एलिस कैप्सी ये अपने में ओवर डिवाइड करती हैं, और रेचिन्स मकीना बहुत लेस चांसेस है कि ये बॉलिंग कराती हैं। ठीक है, होबर्ट हरिकेन्स काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला इनके टीम के लिए रहने वाला है, तो इनके टीम के तरफ से देखा जाए तो लेजी ली के साथ रूथ जॉनसन आप लोगों को ओपनिंग करती हुई दिख जाएंगी। अब लेजी ली पिछले 2 मुकाबले से 24-24 का स्कोर कर रही है, 20-30 में स्कोर कर देती हैं, बड़ी खिलाड़ी हैं और इंटरनेशनल का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेट कीपर रह चुकी हैं। वहीं रूथ जॉनसन की बात करते हैं तो 6 रनों का स्कोर इन्होंने किया था। बाकी मेगन डुप्रीज के देखिएगा तो ये भी मतलब अच्छा परफॉर्मेंस था, 37 रनों का स्कोर इन्होंने किया था, और ये भी अच्छी खिलाड़ी हैं। ठीक है, हीदर ग्राम की बात करते हैं तो बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाई थी, बॉलिंग से इनको 1 विकेट मिला था। एलिस विलानी के 26 रन थे, अब एलिस विलानी आई थिंक फॉर्म में आ चुकी हैं, जो कि इनकी टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और टीम के खुद भी कैप्टन है, पिछले 3 मुकाबले से अच्छा परफॉर्मेंस आया है इन कंपेयर ऑफ स्टार्टिंग के 5 मुकाबले के। निकोला कैरी की बात करते हैं तो बॉलिंग से पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिला था, बाकी नियोमी स्टर्नल पर के पिछले 3 मुकाबले से बैटिंग ही नहीं आए हैं। हेली जेंसन की बात करते हैं तो 1 विकेट इनको भी मिला था। बाकी इनके तरफ से जो कि सबसे ज्यादा विकेट निकाली हुई है, इनका नाम है यहां पे मोली स्टर्नो, एकमात्र ऐसा मुकाबला हुआ है जबकि इनको विकेट नहीं मिला था, मोस्ट ऑफ द मुकाबले में ये विकेट निकाल देती हैं। एमी स्मिथ को भी देखिएगा तो कोई भी मतलब ना बॉलिंग नहीं मिली थी, एज अ बॉलर खेलती है बॉलिंग नहीं मिली थी। मैसी गिब्सन की बात करते हैं तो 1 विकेट इनको मिला था। और इनके तरफ से ओपन डेथ बॉलर हम लोग जरा चेक कर लेते हैं तो देखो मोली स्टर्नो के साथ रूथ जॉनसन को मान सकते हो, देश में हीदर ग्राम, निकोला कैरी को मान के चल सकते हो। कोई खिलाड़ी अच्छी इकॉनमी से बॉलिंग करेगा जैसे कि मैसी गिब्सन, ये भी देश में बॉलिंग करती हुई दिख सकती हैं। अब बेंच पे जितने खिलाड़ी गए आप लोग पहले देखो इनका रिसेंट स्कोर यहां से रीड कर लेना, इनके तरफ से बॉलर जो कि आप लोगों को अच्छी खासी बॉलिंग करते हुए दिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों ये जो बॉलिंग इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूं ना, खास करके वुमेन्स क्रिकेट में ज़्यादा मैटर करता है, और बहुत ज़्यादा मैटर करता है, बहुत हद तक मैटर करता है, क्योंकि वुमेन्स क्रिकेट में जैसे आप लोगों को मैंने बताया, देखो एमी स्मिथ एज अ बॉलर खेलती हैं बॉलिंग नहीं की है, तो अगर आपको मालूम ही नहीं रहेगा आप जिस खिलाड़ी को अपने टीम में ले रहे हो, और मोस्ट ऑफ द वुमेन्स के मुकाबले बॉलर्स पे ही निर्भर रहते हैं, तो वो खिलाड़ी अगर आप ले लेते हो और बॉलिंग नहीं कराता तो काफ़ी मतलब दिक्कत हो सकता है।
कहीं ना कहीं लक फैक्टर भी हो जाता है कि कोई चार चार ओवर फेंक रहा है वो भी बॉलिंग नहीं कराता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें लॉजिक तो रहता है ना कि पिछले कुछ मुकाबले से करा रहा है। तो इस वजह से मैं ये रिकॉर्ड आप लोगों को बताना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता हूँ और आप लोगों का इस पर मेनली फोकस भी रखता हूँ। देखो मौली स्टर्नो और निकोला कैरी ओवर कटते हैं, निकोला कैरी के सॉरी ओवर कटते हैं, बाकी देखो कोई दिख भी नहीं रहा। मैसी गिब्सन हीदर ग्राम तीन ही बॉलर दिख रहे हैं, बाकी निकोल कैरी रूथ जॉनसन हेली जेंसन आप लोगों को ओवर डिवाइड करती हुई दिख सकती हैं और एमी स्मिथ भी इन्हीं लोगों में से ओवर डिवाइड करेंगे। तो इनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा बॉलिंग के ऑप्शन है। मेलबर्न स्टार वुमेंस के ओवरऑल सारे खिलाड़ी को रिकॉर्ड अगर आप चाहो तो बिल्कुल रीड करके चल सकते हो। बाकी रिसेंट में यार मान सकते हो 96% वुमेंस के बिग बैश लीग के मुकाबले हो गए हैं, तो ज़्यादा मैं नहीं बताने पर फोकस कर रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो रीड कर लेना क्योंकि रिसेंट स्कोर से काफ़ी कुछ अंदाजा लग जा रहा है। हॉबर्ट हुरिकेन्स वुमेंस का भी ओवरऑल सारे खिलाड़ियों का रिकॉर्ड है। बाकी चलते हैं ड्रीम इलेवन पर, देखते हैं इस मुकाबले से रिलेटेड हमारी क्या कुछ टीम बनकर रेडी हो रही है। यहाँ पे दोस्तों देखो उससे पहले एक और रिकॉर्ड दिखा दे रहा हूँ, हेड टू हेड का रिकॉर्ड है और जब ये दोनों टीम आपस में खेलती है तो कौन से खिलाड़ी का मतलब अच्छा एवरेज वगैरह रहता है, परफॉर्मेंस रहता है। तो टेस फिलेंटॉप्स और एज अ बैट्समैन देख लो 5 मुकाबले 57 रन 57 का एवरेज है। अब देखोगे तो मतलब रन भी 57 की एवरेज भी 57 है, मोस्ट ऑफ द मुकाबले में नीचे बैटिंग करती है, नॉट आउट जाने से खिलाड़ी का एवरेज बढ़ जाता है, तो इस वजह से देखने को मिल रहा होगा। ठीक है तो बहुत अच्छा वैसे परफॉर्मेंस है ना, ठीक है ये एवरेज पे मत जाना क्योंकि मुकाबले भी इन्होंने 5 ही खेले, तो अगर एक मुकाबले के अनुसार अगर 10 रन कर रही है तो बहुत बड़ा है नहीं। लॉरेन विलफील्ड 2 मुकाबले में 27 का एवरेज है, 27 रन भी है। किम गर्फ 4 मुकाबले में 64 रन 21 का एवरेज है। वहीं अनबल सदरलैंड 6 मुकाबले में 106 रन 21 का एवरेज है। तो ये किम गर्थ और सदरलैंड वैसे भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉलिंग से भी बैकअप देने वाली हैं। बॉलिंग से भी देख लीजिए नाम आ रहा है अनबल सदरलैंड 6 मुकाबले 6 विकेट और सोफीडे 4 मुकाबले 3 विकेट, टेस फिलेंटोस 5 मुकाबले 3 विकेट, किम गर्थ 4 मुकाबले 2 विकेट। हॉबर्ट हुरिकेन्स वुमेन्स की तरफ से देखिए लेजी ली 1 मुकाबले 42 रन 42 का एवरेज है। निकोला कैरी यार लाजवाब परफॉर्मेंस इनका, 6 मुकाबले 158 रन 40 का एवरेज है। बॉलिंग से भी बैकअप देगी ये लड़की। मिगेन डुप्रीस 2 मुकाबले 63 रन 32 का एवरेज है। हीदर ग्राम 7 मुकाबले 103 रन 21 का एवरेज है। नेओमी स्टेनलबर्ग 7 मुकाबले 81 रन 20 का एवरेज है। रिचिल त्रिमन 2 मुकाबले 40 रन 20 का एवरेज है। हीदर ग्राम का फिर से परफॉर्मेंस देखो यार लाजवाब, 7 मुकाबले 12 विकेट इनके नाम है। मौली स्टर्नो 5 मुकाबले 7 विकेट, निकोला कैरी 6 मुकाबले 5 विकेट, रूथ जॉनसन 2 मुकाबले 4 विकेट, मैसी गिब्सन 2 मुकाबले 4 विकेट, एमी स्मिथ 4 मुकाबले 1 विकेट। बाकी लास्ट के 5 मुकाबले का परफॉर्मेंस मैंने बता दिया है, प्लेयर्स के यहां पे देख लेना और ओपन डेथ बॉलर जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बता ही दिया है, बाकी यहां से देख लेना थोड़ा सा प्लेयर्स के बैटल है आप लोग रीड कर लेना। चलो अब फाइनली हम लोग यहां पे टीम देख लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे टीम का डिस्कस करूँ उससे पहले बता देना चाहूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग वीडियो देख कर आना तभी जो चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा आप लोग उसको अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि फैंटेसी खेलने का मतलब सिर्फ टीम को कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होता मेरे भाई, फैंटेसी खेलते हो तो समझने की कोशिश किया करो। तो वीडियो देख कर आना, बाकी जो लोग देख कर आ रहे हैं होप उनको अच्छी लगी तो लाइक करना, बाकी जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना। देखो वुमेन्स के क्रिकेट बिग बैश लीग के मुकाबले जैसे जैसे आगे जा रहे हैं मतलब सारे लोगों की टीम कॉमन ही बन रही है, तो रैंक क्लैश होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसी को नजरअंदाज रखते हुए देखो फिलहाल तो मैंने लेजी ली को लिया, लेकिन आप चाहो तो लॉरेन विलफील्ड हिल को भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि स्टार्टिंग के मुकाबले में ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही थी। फिलहाल देखो मैंने लेजी ली को ही ट्राई किया, हो सकता है टॉस के बाद लॉरेन विलफील्ड हिल को भी ट्राई करके चल सकता हूं। बैटिंग सेक्शन से एलिस कैप्सी मैगन डुप्रीस बेस हेल्थ को ट्राई किया है, अब चाहो तो बेस हेल्थ के प्लेस पे यहां से एलिस विलानी को ले सकते हो, लेकिन फिर टीम बनाने का क्या मतलब बनेगा भाई, सबकी कॉमन टीम बन जाएगी, पैसे रिफंड ही नहीं मतलब रिफंड हो सकते हैं, ना जीतोगे ना हारोगे, तो चांसेस है कि मैं यहां से बेस हेल्थ को इसी वजह से ट्राई किया हूं। इलेस विलानी पिछले 3 मुकाबले से परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है, तो हो सकता है इस मुकाबले में खराब भी दे सकती है या तो फिर एक और अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, लेकिन ना चाहते हुए एक रिस्क लेना पड़ेगा भाई, लेना तो पड़ेगा तभी कोई मतलब है, बाकी जमीमा रोड्रिज वगैरह खेलेंगे नहीं और कोई सेफ में दिख नहीं रहा। तो एलेस विलानी लीजिए, रैंक क्लैश करवाइए, बेस हेल्थ लीजिए, या तो जीत जाइए या तो हार जाइए, ठीक है ये आपके ऊपर डिसीजन है। फिलहाल मैंने बेस हेल्थ को ही टीम में ट्राई किया है, कैप्सी वगैरह को छोड़ना नहीं है, बाकी ये लोग बॉलिंग करती हैं, कैप्सी बॉलिंग करती हैं, आप चाहो तो मिगेन डुप्रीस पे भी रिस्क ले सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन से देख लीजिए, अनेबल सदरलैंड हीदर ग्राम निकोला कैरी किम गर्थ एकदम बात नहीं करना, यहाँ पे चारों को उठा लीजिए, मस्ट पिक है स्मॉल लीग के नजरिए से, बिल्कुल मस्ट पिक है क्योंकि कम से कम 4 ओवर बॉलिंग करेंगी, टॉप 4-5 में बैटिंग करेंगी, यहाँ तक कि सीबीसी के भी प्रमुख दावेदार रहने वाली है। बाकी वीडियो पे यार 250 लाइक प्लीज कर देना, वीडियो नंबर 250 है मेरी, इसी वजह से 250 लाइक का एम है इस पर, प्लीज आप लोग करवा देना। बाकी देखो 1,000 1,500 2,000 तक व्यूज आता है, तो इतना तो लाइक आप लोग करवा ही सकते हो।
बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, मॉली स्टर्नो, सासा मॉली, मैसी गिब्सन को टीम में ट्राई किया है, यही तीन बेस्ट में दिख रही हैं। हैली जेंसन है तो बहुत ही अच्छी खिलाड़ी, लेकिन इस सीजन इनका कुछ खासा परफॉर्मेंस था नहीं, तो इस वजह से फिलहाल मैंने टीम में नहीं लिया। अब हो सकता है इनके टीम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है, हॉबर्ट हुरिकेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबला है, मेलबर्न स्टार ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, तो इन लोगों के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करने वाला। तो हो सकता है हैली जेंसन जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी है कहीं ना कहीं 3-4 विकेट गुच्छे में भी निकाल सकते हैं, तो जीएल में सीबीसी एक बना के छोड़ देना, ठीक है। आओ देखते हैं सीबीसी यहाँ पे, तो देखो फिलहाल मेरी अनेबल सदरलैंड, हीदर ग्राम कैप्टन, वाइस कैप्टन रहने वाली है, बाकी आप चाहो तो किमगर्थ, निकोला कैरी को बिल्कुल बना सकते हो, बहुत अच्छी ऑप्शन ये भी रहने वाली है। तो आप लोग देख लीजिए टीम का प्रीव्यू, आप लोगों को कुछ इस प्रकार का देखने को मिल रहा होगा, जहाँ पे कैप्टन अनेबल सदरलैंड, वाइस कैप्टन हीदर ग्राम है, फाइनल टीम है नहीं। हाँ ऑप्शन की बात करूँ तो एलिस कैप्सी का भी ऑप्शन रहने वाला है जो कि बॉलिंग से बैकअप दे सकती हैं। फाइनल टीम के लिए टॉस के टाइम टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, Cricket2580 लिख कर सर्च करके आ सकते हो, नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, देख लेना और सही से आना, सही जगह पे आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल वगैरह क्रिएट किया हुआ है, तो कहीं गलत जगह पे ज्वाइन मत होना। तो होप वीडियो अच्छी लगी, लाइक कर देना और 250 लाइक प्लीज़ कर देना, ठीक है भाई। कभी एम नहीं रखता हूँ, आज पहली दफ़ा एम रखा हूँ, तो आप लोग करवा देना भाई, 250वीं वीडियो आप लोगों के सपोर्ट की वजह से मुमकिन हो पाता है, तो प्लीज़ करवा देना। बाकी रियल जगह पे आना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जैसे मैंने बोला फेक चैनल क्रिएट किए हुए हैं, जहाँ पे मुझसे भी ज़्यादा वो फेक बोर्ड द्वारा नकली सब्सक्राइबर लेकर बैठे हैं, तो आप लोग किसी गलत चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग फॉर्मेलिटी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।